अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करते हैं क्रिप्टो मार्केट के कंप्लीट एनालिसिस और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में हमें मार्केट की क्या सूरत हाल देखने को मिल सकती है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छे तरीके से बाइंग कर सकें और मौका मिलते ही सेलिंग भी कर सकें। और साथ वीडियो के मिड में जाकर के हम आपसे हमेशा कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ ज़रूर शेयर करते हैं जो डायरेक्ट आपके पोर्टफोलियो पे असरअंदाज होती है। जैसे कि आज यूके के फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से एक बहुत ही ज़बरदस्त और पॉजिटिव बयान देखने को सामने आया है, जिसे हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। और आज एक बड़े कॉइन के बारे में आपसे आगे चल करके बात करने वाले हैं, यानी कि BSW, जिसने आज एक मरतबा फिर से पंप लगा दिया है। क्या उसकी आगे सूरत हाल होगी, कैसे आपने उसके चाम से बचना है और वो अपने चाम में किस तरह आपको लपेट के नुकसान भी दे सकता है, सब उसके आगे जा करके हम बातें करेंगे। आपने क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि आपसे हमारी एक भी वीडियो मिस ना हो तो आपने हमारे चैनल के बेल आइकन को क्लिक करने के साथ ऑल के बटन को क्लिक जरूर कर देना है। बढ़ते हैं जल्दी से मार्केट की तरफ। सो व्यूअर्स, नाउ वी आर इन द मार्केट। इससे पहले कि हम आज की ताज़ा सूरत हाल आपसे शेयर करें, मैं आपको बताता चलूं कि रात के क्रैश के बाद जितने भी स्टेबल कॉइन्स थे उनकी प्राइस एकदम ज़मीन के साथ जाकर जब लग गई, और अब उनमें से कई कॉइन्स हैं जो इम्प्रूव कर रहे हैं और उनमें आपने अब आने वाले आवर्स में ट्रेड लेनी है, तो इस पार्ट को आपने मिस नहीं करना ताकि आप अपनी अर्निंग के लिए उन कॉइन्स को सिलेक्ट कर सकें जो आपको फ़ायदा देंगे। और आगे चल करके हम आपसे कैंडल चार्ट पे फाइनलाइज करेंगे कि आपने किन कॉइन्स में एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर बात करते हैं ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में। दोस्तों, एक मरतबा $30 बिलियन का बड़ा इजाफा हुआ था और अभी थोड़ी सी नॉर्मल रूटीन में कमी वाकया होती दिखाई दे रही है। ओवरऑल एनालिसिस शो कर रहे हैं कि मार्केट वर्किंग वेरी वेल एज़ बिफोर, यानी कि तकरीबन मार्केट 48 घंटे पहले जैसा बिहेव कर रही थी वैसे ही कर रही है, लेकिन इस बीच कॉइन काफ़ी डाउन हुए हैं। BTC की अपनी प्राइस में हमें $500 का एक पॉजिटिव इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच मार्केट जितनी भी क्रैश हुई हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। इथेरियम की बात करते हैं तो इसमें $20 का इजाफा हुआ है, और BNB, जिससे मैं हमेशा आपको इथेरियम के साथ कनेक्टेड करके बाय करने की बात करता हूँ, BNB होल्डर्स के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है कि उन्होंने इस सेशन में 12 घंटों के सेशन में $10 ईच कॉइन डेफिनेटली अर्निंग की होगी। अब इसी तरह रूटीन से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो सोलाना अभी स्ट्रक है। जाहिरी बात है सोलाना हमेशा मार्केट के बिहेव को देख लेने के बाद मूव करता है, तो ऑब्वियसली इसके ओल्ड होल्डर इस वक्त स्ट्रक हैं। ये जल्द अपने आप को मार्केट की स्टेबिलिटी के बाद मूव करेगा, एकदम ये कभी भी बिहेव नहीं करता। एकदम बिहेव कर रहा है लूना। लूना जो रात को तकरीबन $115 पे जा चुका था, दोबारा से 116 की तैयारी कर रहा है। अब XRP कार्डानो की बात करते हैं तो डाउनफॉल का शिकार है, और एवेक्स ने अपने आप में आपको एक ट्रेडिंग विड्थ दे दी है। आप चाहें तो एवेक्स में अभी इसमें एंट्री लेकर के एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि यहां से मार्केट ने दोस्तों $300 या $400 का थोड़ा सा हाई पकड़ना है, उसने अपना रेजिस्टेंस लेवल बदलना है, तो एवेक्स आपको 100, 100.05, 110 तक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये इसका ऑल टाइम हाई होगा 110। पोलकाडोट दोस्तों स्ट्रक है। डोजी क्वाइन आज सुबह से एक अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्केट स्ट्रक है। शिबा इनू इज़ ऑलमोस्ट स्ट्रक। इस बीच हम आपसे बात करेंगे नियर कॉइन के बारे में, जो 17.36 से अब के सेशन में डाउनफॉल होता दिखाई दे रहा है, तो लिहाजा रिकवरी भी स्लोली कर रहा है। तो दोस्तों, इस वक्त पूरी मार्केट में हम जहां तक आए हैं उसमें सिर्फ BNB ने और लूना ने रिकवरी की है। तीसरा कौन सा कॉइन है जो रिकवरी कर रहा है उसकी बात करते हैं, बाकी सभी कॉइन एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। और सभी कॉइन्स में BTC जो कि 46,600 पे जब क्रैश हुआ $1,600 45,000 तक गया, तो ये कॉइन्स भी डाउन हुए। अब इनको भी जो है इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहे। तो लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि एंट्री करने का मौका मिल गया है किन कॉइन्स में, हम आगे चल के आपसे बात करेंगे। यूनी की बात करते हैं दोस्तों, तो यूनी स्वैप ने 30 सेंट का अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखा दी है हमको। BCH की बात करें तो BCH दोस्तों रात की निस्बत हमें अब $1 बेहतरी में दिखाई दे रहा है, लेकिन इथेरियम क्लासिक बैडली स्ट्रक है। एल्गो में 4 सेंट की बड़ी कमी वाकई हुई है, और इसी तरह सभी कॉइन हमें स्ट्रक दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं 4th कॉइन की, जो इस मार्केट में भी इस वक्त आपको ट्रेड दे रहा है, वो है XMR, जो $215 पे जा चुका था दोस्तों।
इस वक्त हमें $226 पे देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट के क्रैश का इस कॉइन के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और ये तेज़ी से इम्प्रूव कर रहा है। इसीलिए इस बड़े कॉइन को मैं रिकमेंड नहीं करता कि बाज़ुकात किसी की इतनी रेंज नहीं होती, लेकिन आप इसमें $1000 की एंट्री ले करके ऑन द स्पॉट नहीं, BTC को फॉलो करके आप इसमें से $50 से $60 की ईजिली अर्निंग कर सकते हैं। थीटा, रूनी, वेव सभी की प्राइस में दोस्तों इस वक्त डंप हमें दिखाई दे रहा है और मैं समझता हूँ कि वेव्स को निकाल कर और APA को निकाल कर सभी हमारे स्टेबल कॉइन्स में आप एंट्री लेकर के एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केट का इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। इनके प्राइस जो रूटीन में हम आपस से डिस्कस कर रहे थे उनमें $3-5 की सभी में कमी देखने को मिल रही है। एंटर करते हैं यहाँ पर पैनकेक स्वैप को दोस्तों, तो 9.60 पे कल रात को ये जा चुका था, फिर से 23 सेंट का इसमें हमें एक पॉजिटिव इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जी कैश ने $8 की रिकवरी की है दोस्तों, ये एक जी कैश के होल्डर के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद GRT सभी इस वक्त स्ट्रक हैं। अब ये सातवां कॉइन मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ XEC, जिसके ऊपर हमारी ट्रेड रह चुकी है बड़ी अच्छी। ये रात को 0000 10:18 पे हमने आपसे डिस्कस किया था, इस वक्त 0000 11:16 पे आ चुका है दोस्तों। ये नेक्स्ट मूव की बिल्कुल तैयारी कर रहा है। मैं समझता हूँ कि आपको अपने पोर्टफोलियो में XEC को और कुछ नहीं तो $50 का एनी टाइम अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ये इंशाल्लाह आपको एक अच्छा बूस्ट दिखा सकता है। अब एंटर होते हैं नियो में। नियो में दोस्तों $1 का इजाफा हुआ है, नथिंग एल्स। STX स्ट्रक है, ZIL स्ट्रक है और तकरीबन कुसामा जो $210 तक जा चुका था, अभी डाउन होने के बाद ये अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सका। इससे पहले कि दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पे चलें BTC कैंडल चार्ट पे, मैं आपको बताता चलूं कि मीना जो रात को काफ़ी डाउनफॉल का शिकार था वो इस वक्त मुसलसल प्लस मार रहा है और 3.26 से 3.26 का हाई लगाकर 3.16 पे आ चुका है। अब इसकी एंट्री की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें एंट्री आपने $3 या 2.95 सेंट में लेनी है, आप इसमें एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। GMT की बात करते हैं तो 2.10 सेंट से रिकवरी की तरफ जा रहा है बड़ा स्लोली, और मैं समझता हूँ कि अभी इसमें नए बंदे को एंट्री नहीं लेनी चाहिए, इसलिए कि नए बंदे का ये जोन नहीं बनता एंट्री का, इसके लिए अलहदा हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों KDA की, तो 7.28 के लो से इसमें तकरीबन हमें 9 से 10 सेंट का एक अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं जल्दी से BTC और एथेरियम के कैंडल चार्ट की। तो व्यूअर, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और आज का चार्ट जो है फिर एक मरतबा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट जितने भी कल लॉस में थी आज वो रिकवर कर चुकी है, इसीलिए हमारा जो टारगेट था दोस्तों इमीजिएटली वो भी अचीव हो चुका है। हमारा इमीजिएटली टारगेट था 45,200 और जो सेफ टारगेट था वो था 45,000, तो लिहाजा मार्केट ने अपना हाई पहले से तो खैर काफ़ी कम कर लिया है लेकिन इम्प्रूवमेंट दिखाई है क्योंकि हम पहुंच चुके थे 45,000 की जोन में। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि अगर हमने 45,200 या 300 में एंट्री ली है तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने आपको 1300 की BTC में ट्रेडिंग भेज दी है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली मैं बता देता हूँ कि अफसोस की बात यह है कि BTC ने तो मूव किया लेकिन अभी तक BTC की रिकवरी के बाद स्टेबल कॉइन में हमें कोई बेहतरी देखने को नहीं मिल रही। मार्केट के जो फल्लू कॉइन होते हैं वो इस वक्त थोड़ा सा मूव होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन स्टेबल कॉइन बिल्कुल मूव नहीं हो रहे। अब बात करते हैं दोस्तों कि BTC तो रिकवर कर गया तो वो स्टेबल कॉइन अब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि BTC अपनी थोड़ी सी हमें यहाँ पर संजीदगी दिखाए, थोड़ा सा सीरियस बिहेवियर, लेकिन ऐसा अभी हो नहीं पा रहा। तो क्या हो पा रहा है और क्या पॉसिबिलिटी है वो हम कैंडल चार्ट पे बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये था हमारा वो लेवल जहाँ पे हम गिर चुके थे रात को, मार्केट हमें क्रैश कर चुकी थी। अब मार्केट ने कॉन्टीन्यूसली रिकवरी करनी शुरू की है और इस वक्त BTC 46,000 मतलब 46,650 की जोन में एंटर हो चुकी है। हमारी जो स्ट्रॉन्गेस्ट जोन थी वो थी 45,500, उससे ये निकल चुकी है, बहुत ही अच्छा साइन है। और अब जो कैंडल्स बन रही हैं वो बता रही हैं कि मार्केट में हमें बेहतरी देखने को मिल सकती है। और आज क्योंकि हफ्ते का कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है
और इसमें मार्केट में हमें लाजम बूस्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन लो दोस्तों, फोर्थ और कैंडल में यहाँ पर हमें एक बेरिश हैमर हेड बनती दिखाई दे रही है, जो इंडिकेट कर रही है कि मार्केट है यहाँ से थोड़ा सा क्रैश कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्रैशिंग पॉइंट होगा वो अगर हम इसके शेडो को फॉलो करें, लास्ट शेडो को, तो यहाँ पर मार्केट क्रैश करके तो हमें ले गई थी दोस्तों 45,000 के बिल्कुल करीब। तो मैं समझता हूँ अगर अब 45,000 पे मार्केट जाती है तो 1600 1650 का ये फ़र्क है और मार्केट फिर बहुत ही ज़्यादा नॉन सीरियस हो जाएगी अगर ऐसा होता है। तो हम नॉन सीरियस मार्केट में ही अपने आप को थोड़ा सा तैयार करते हैं। तो हमने जो इमीडिएटली टारगेट लेना है वो है दोस्तों 46,000, और जो सेफ टारगेट होगा वो होगा 45,800। इसके अकॉर्डिंग आपने जिस कॉइन में एंट्री लेनी है दोस्तों वो है सबसे पहले QNT, ZIL, MINA और GMT को भी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा, नॉट मच, क्योंकि ये अब मार्केट के साथ चलना शुरू हो गया है। ज़हन में रखिएगा कि जब न्यू लिस्टिंग कॉइन मार्केट में आते हैं तो वो ऐसे कहीं तो उनको लगाम डालना आसान नहीं होता, वो बहुत मुश्किल आपके कैंडे में आते हैं, बड़े मतलब कंट्रोल में आते हैं। तो अब वो कंट्रोल में आ रहे हैं तो उन्होंने भी BTC के आगे जो है सर झुका दिया है। अब BTC जैसे मूव करेगा तो GMT जो है उसका बिहेवियर निस्बत BSW की बहुत ही कुछ संजीदा होता चला जा रहा है, क्योंकि दोनों ने एक जैसा बिहेवियर नहीं किया। GMT इज़ मच बेटर देन BSW। तो अब BSW का आज का जो पंप है उसके ऊपर भी हम वीडियो के एंड में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मार्केट को आपने शाम के 5 बजे से 6 के दरमियान ज़रूर देखना है, क्योंकि वही इसका पीक टाइम होता है पाकिस्तान में मार्केट ट्रेड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इस क्रैश का थोड़ा सा हमें इंतज़ार रहेगा कि ये हमें कहाँ लेकर जाता है, क्योंकि ये हैमर हेड टॉप पे बन रही है, ये थोड़ा सा हमें डिप दिखाकर मार्केट को बूस्ट कर सकती है। तो दोस्तों अभी अगर देखें तो मार्केट में 1.339% का हमें एक अच्छा बूस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टेबल कॉइन मूव नहीं कर रहे। स्टेबल कॉइन डेफिनेटली तब मूव करेंगे अगर BTC 47,000 को क्रॉस करता है। तो बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो व्यूअर्स, नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ इथेरियम, और बात करते हैं हमारे दोस्तों इमीडिएटली टारगेट की। तो वो हमने अचीव कर लिया है, हमारा इमीडिएटली टारगेट था 3460 और जो हमारा सेफ टारगेट था वो $20 कम था, लेकिन हम वो अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन पे आप लो देख रहे हैं ये कल रात का है, मार्केट ने अभी इसे फ्रेश नहीं किया। और हाई की बात करें तो वो चेंज हो चुका है, क्योंकि कल रात तक का हाई था 3573 और मार्केट का अब का हाई है 3535। अब हम अपने टारगेट को देखते हैं दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग हमने तकरीबन $64 की इथेरियम को लेकर एक अच्छी अर्निंग की है, लेकिन इसका भी जो अक्स था वो दूसरे छोटे कॉइन्स के ऊपर नहीं जा सका जो हमने आपको रिकमेंड किए थे, क्योंकि मार्केट की जो जितनी भी अल्ट कॉइन की वैल्यू, हालांकि इथेरियम खुद भी एक अल्ट कॉइन है, लेकिन सभी अल्ट कॉइन BTC को निकाल कर अभी उस तरह इम्प्रूव नहीं कर रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि मार्केट ये क्रैश थी कल रात की, इस वक्त फ़िलहाल मुसलसल इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है, और इम्प्रूवमेंट इतनी हुई है कि वो 35 की जोन में कल भी थी और इस वक्त वो 3502 की बजाय 3524 पे जाकर पहुंच चुकी है। अब देखना यह है दोस्तों कि नेक्स्ट 4 आवर में ये हमें क्या रंग दिखा चुकी है और अब क्या रंग दिखाएगी। तो दोस्तों मार्केट जो है वो 35 की जोन में बिल्कुल, ये जो आप लाइन देख रहे हैं मैंने खींच रखी है, इस वक्त उसके ऊपर आकर के खींचातानी चल रही है। तो दोस्तों अगर यहीं से हम इसे फॉलो करते हैं, जो कैंडल्स हमें मार्केट में दिखाई दे रही हैं, तो इसका इस वक्त तक का जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो तो 3500 ही बन रहा है, लेकिन अगर हम 4 आवर का मुकम्मल चार्ट देखें तो दो जगह पे जाके इसने अपना सपोर्ट लेवल बना रखा है, एक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से बाउंसिंग बैक हुई है, एक यहाँ पर। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक मैसेज मिलता है कि हम दो एंट्रियाँ ले सकते हैं। एक एंट्री हम इस जगह पर ले सकते हैं, मार्केट कहती है जी 3420 पे एंट्री बनती है, एक एंट्री ये जो बहुत नीचे है, और मैं समझता हूँ कि ये दो एंट्रियों का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर 3250 की बात हो रही है, वहाँ पर कुछ और बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, और ये एंट्री बनती है 34 की अगर एंट्री बनती है दोस्तों तो ये होगी सेफेस्ट एंट्री, बहुत ज़्यादा सेफ। लेकिन अगर आप इमीडिएटली ट्रेड करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इथेरियम आज 35 का जो घर है वो नहीं तोड़ेगा, तो आप 3505 पे मार्केट में एंट्री ले सकते हैं इथेरियम में 3505 पे, और यहीं से ये आगे का $70 और $80 के आपको एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है। और जिन कॉइन्स को आपने इथेरियम को देखकर फॉलो करना है उसमें
दोस्तों जिसे इग्नोर मत कीजिएगा वो है ETC, हालांकि वो स्ट्रक है लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा थीटा, पैनकेक स्वैप, यूनी स्वैप, जी कैश और नियो, और लास्ट में ऑल टाइम फेवरेट BNB, जो करता ही वर्क भी इथेरियम के साथ है। तो जैसे कल उसने आपको एक अच्छी ट्रेड दी, मुझे यकीन है कि नेक्स्ट 12 आवर में भी आपको एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं आज की फ्रेश न्यूज़ की तरफ। दोस्तों क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए यूके की जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम सामने हमारे आ रहा है देखने को, यानी कि यूके के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट है कि यूके गवर्नमेंट मूव फॉरवर्ड विद रेगुलरिटी फ्रेमवर्क ऑन स्टेबल कॉइन फॉर पेमेंट्स। यानी कि इस न्यूज़ को अगर हम मुकम्मल तौर पर इसका हम ऑपरेशन करते हैं तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, कि ज़ाहरी बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर वो किसी गली मोहल्ले का नहीं है, यूनाइटेड किंगडम का है। और वो आगे क्या कहता है वो भी आपसे बात करता हूँ कि इफ़ क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज आर गोइंग टू बी अ बिग पार्ट ऑफ द फ्यूचर देन वी द यूके। सिंपल सी बात, और ये इसी तरह ही बात करते हैं कि यानी कि अगर क्रिप्टो की जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया का अगर फ्यूचर है तो फिर यूके का भी फ्यूचर है, यानी कि यूके का यही फ्यूचर है। और वो किसमें काम करना चाहते हैं, जिसमें मैं दोस्तों आपको एक मुद्दत से जो रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, मेरे चैनल की जो बेस है, जो मैं आपसे ट्रेड की बातें करता हूँ, वो है ही स्टेबल कॉइन्स। अगर आप मुझे विदाउट फॉरवर्ड किए देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको कभी भी फल्लू कॉइन्स रिकमेंड नहीं किए। वांट टू बी इन एंड इन द अदर ग्राउंड फ्लोर, सेट इकोनॉमी सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजर जॉन गैलन। तो सर जी, ये जॉन गैलन ने ये बात की है तो ध्यान में रखिएगा कि ये जॉन गैलन जो है कोई काका तो नहीं है। और वो कहता है द यूनाइटेड किंगडम इकोनॉमी एंड फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ सेट इन टू द इंटेंट एंड द एमेंट इट्स एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन द इनकॉर्पोरेट स्टेबल कॉइन्स यूज एज द मीन्स ऑफ पेमेंट्स। यानी कि जितने भी स्टेबल कॉइन्स तो नहीं है, मतलब स्टेबल कॉइन्स जिसमें सबसे पहले जिनको चूज़ किया जाता है वो हैं BTC और इथेरियम, जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। अब अगला जो बनने जा रहे हैं वो सोलाना है, टेरा लूना है। इनके अंदर पेमेंट्स मेथड जब आएंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि बाइनांस में सोलाना का अपना ब्लॉकचेन का जो ट्रांसफ़र, पैसे ट्रांसफ़र करने का सिलसिला है, जो उसकी ब्लॉकचेन है उसका एड्रेस भी आ चुका है। तो उसी तरह कल को जब ये कॉइन्स यूके में एज अ पेमेंट यूज़ होंगे तो फिर इनमें स्टेबिलिटी क्यों नहीं होगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ढके छुपे अल्फाजों में पूरी दुनिया क्रिप्टो को अपना फ्यूचर बनाने जा रही है। आगे बात कर लेते हैं और इस हिस्से को ख़त्म करके BSW के बारे में अब बात करते हैं। इन अ मंडे अनाउंसमेंट HM ट्रेजरी सेड सर्टन स्टेबल क्वाइन कुड पोटेंशली बिकम ऑफ द वाइड स्प्रेड मीन्स ऑफ द पेमेंट फॉर द रिटेल कस्टमर इन द यूनाइटेड किंगडम फॉलोइंग ऑफ द कंसोलेशन विद द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन universities and the individual debt was begun in the January 2021 the UK government body said into the intended to the take necessary legislation steps to the bring stable coins regulatory framework। तो दोस्तों यूके ने अपने सिस्टम में इसको पेमेंट के तौर पे लेके आना ही था, इसलिए कि जब 2 साल पहले दुनिया में नोट जलाए गए एक वबाई अमराज की वजह से, तो डिजिटल करेंसी को दुनिया का मुस्तकबिल बनाना ही था, और साथ साथ ये डिजिटल करेंसी आपको प्रॉफिट भी देगी। अच्छा, अब क्रिप्टो का काम आपको एक प्लेटफॉर्म पे 10 चीज़ें प्रोवाइड करना है, जैसे कि क्रिप्टो में आपको पैसा लगाने में प्रॉफिट भी आएगा, नुकसान भी होगा, और जो काम बैंक करते थे बैंकों का इनकार जो है दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। बहुत जल्द आपको दुनिया में बैंक नहीं दिखाई देंगे। इसके ऊपर मैं अलग से बात करूंगा दोस्तों, ये बड़ी लंबी बात हो जाएगी। अब बढ़ते हैं BSW के कॉइन रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं BSW कॉइन के बारे में। मैं समझता हूँ कि कौन सा आज का शख्स होगा जो क्रिप्टो में इन होगा और वो BSW को नहीं जानता होगा। कल ही हमने आपको हमारी डेली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस की वीडियो में उसके आखिर में आपसे इसका कॉइन रिव्यू शेयर किया था, और ये 1.08 पे जा चुका था, 1.08, और आज इसे आप देख रहे हैं 1.39 पे। यहाँ पर तो खैर ये अपनी स्टेबिलिटी शो कर रहा है, लेकिन अगर आप इसकी रियल मार्केट में जाते हैं तो ये इस वक्त पागलों की तरह बिहेव कर रहा है और अपने चाम में क्रिप्टो यूज़र्स को ले ही लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं न्यू यूज़र की और पुराने यूज़र की। कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि जितने भी इसके ओल्ड यूज़र हैं जो हाई पे से बाय कर चुके हैं, अपने ग्रीड और बाइंग की यानी कि जो कंट्रोल नहीं कर सके ग्रीड और अपनी बाइंग को, उन्होंने इसमें फिर एंट्री ली तब जब वो 60 सेंट पे फंसे थे और 2 में जाके रिकवर करना चाहते थे, और फिर 2 में उन्होंने बाइंग कर ली।
अब वो उनके लिए मैं अभी भी कहूँगा कि वो इसे होल्ड ही रखें, वो इसे रिकवर कर सकते हैं। अब न्यू एंट्री लेने वालों के लिए मेरी एक ही सजेशन है कि इस नॉन सीरियस बिहेव करने वाले कॉइन में, जिसके पूल को अभी क्लोज होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रेड करके कुछ अर्न करना चाहते हैं तो सिर्फ $50 से आप इसमें एंट्री लें और एग्जिट लें। और इसका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मैं आपको ऑन ईयर बता देता हूँ कि आपने 1.30 से 1.45 के दरमियान इसका सपोर्ट बन रहा है सिर्फ 1 दिन का। अब ये वीडियो अगर मान लें आप कल को देखते हैं, परसों देखते हैं, 4 दिन बाद देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा इसका जो सपोर्ट लेवल होगा वो चेंज हो चुका होगा। मैं आपको फॉर द टाइम बीइंग ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ और इसमें एंट्री मज़ीद लेकर के अपने आप को परेशान मत कीजिएगा, क्योंकि जब इसका पूल ख़त्म हो जाएगा, आज चूँकि 5 तारीख है, 7 को इसका पूल ख़त्म होगा, फिर इसका नेक्स्ट पूल स्टार्ट होगा 20 अप्रैल को, और ये भी कंफर्म नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्रिप्टो में नॉन सीरियस बिहेवियर अक्सर देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि क्वाइन का भी सीरियस जो बिहेवियर है बड़ा नॉन सीरियस है, लेट्स सपोज 20 अप्रैल को ये कह देते हैं हम पूल नहीं करवाने जा रहे, तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए इस क्वाइन में ज़रा सोच समझ के एंट्री लीजिएगा। आज का फंसा, आप पता नहीं कब दोबारा निकलेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।